दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। NSUI छात्र संगठन की जिला की बैठक का आयोजन सोमवार को बिलासपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। NSUI के राज्य महासचिव यासीन भट्ट ने कहा कि जहां एक तरफ प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के लिए साहसिक फैसले ले रही है, तो वहीं भाजपा लगातार सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश कर रही है, जिससे न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, बल्कि लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास भी कम हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की बिलासपुर इकाई द्वारा जो है माननीय डीसी महोदय के माध्यम से प्रदेश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं हम, जिसमें विशेष तौर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला बिलासपुर इकाई राष्ट्रपति महोदय से दरख्वास्त कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि जिस प्रकार से देश एवं प्रदेश में लगातार विपक्ष की सरकारों के ऊपर जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी का हनन किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को तबाह किया जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है और लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश की में जो है कांग्रेस शासित सरकार जो है किस प्रकार से स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो, कर्मचारी सेंट्रिक अप्रोच हो, यह प्रदेश के हर वर्ग के लिए, चाहे वह युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ हो, उनके अधिकारों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए जो कार्य कर रही है, चाहे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिजास्टर के टाइम के दौरान देखे हम, या चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम देने की बात हो, चाहे वो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुख्यमंत्री सूक्ष्म विधि योजना की बात हो, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की बात हो, या महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, एक तरफ जहां हिमाचल सरकार जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए छात्रों के लिए हो, चाहे प्रदेश के हर वर्ग के लिए हो, उनकी आवाज उठाने के लिए जो प्रयासरत रह रही है, वहीं देश की केंद्र सरकार भाजपा शासित सरकार जो है अनस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हम जो राष्ट्रपति महोदय से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का हनन जो है इस देश में किया जा रहा है, एक तरफ जहां हम भारत को जो है मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वही दूसरी परिपेक्ष में हम जब देखते हैं तो विपक्ष की सरकारों को किस तरह अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसका सबसे बड़ा ज्वलनशील उदाहरण जो है वो हिमाचल में देखने को मिला है। और उसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को किस तरीके से अनस्टेबलाइज किया जा रहा है, जो लोगों के हित में कार्य कर रही है, उसके संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आज बिलासपुर में ये जो है इन्होंने धरना, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने धरना दिया और राष्ट्रपति महोदय से जो हम दरख्वास्त करेंगे एक मेमोरेंडम के माध्यम से कि जो हम भारत को मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं उस डेमोक्रेसी को बचाया जाए। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।